हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए कंट्री के रिलेटेड, और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं भी अगर आप यूएसए के लिए मूव होना चाहते हैं या यहाँ से लास्ट टू ईयर में जो लोग यूएसए के लिए मूव हुए हैं भैया मेक्सिको, तो उनका क्या कॉस्ट आया और वो कैसे मूव हुए हैं, किस बेस पर मूव हुए हैं, तो अगर आप आने वाले टाइम में आप कैसे हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं आपको यूएसए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। बट आप ये मत सोचिए भी मैं यूएसए के लिए मैं कह सकते हैं भी आपको यूएसए में भेज सकता हूं या मैं ऐसा कोई काम करता हूं। तो मैं ओनली आपको बता रहा हूं भी अगर आप इन कंट्रीज से आप यूएसए के लिए मूव होना चाहते हैं उसका क्या कॉस्ट आता है, आप कैसे मूव हो सकते हैं, या पहले के टाइम में जो लोग मूव हुए हैं तो वो किस बेस पर मूव हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो यूरोपियन कंट्री या किसी भी शरण कंट्री से जो कि लास्ट टू ईयर से जो लोग कह सकते हैं मूव हुए हैं यूएसए के लिए, बड़ी मात्रा में मूव हुए, उनमें से कह सकते हैं 90% लोग वो थे जिनके पास यूरोपियन कंट्री का टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड था, या पुर्तगाल, इटली, स्पेन या किसी अनदर कंट्री का, या फिर उनके पास कह सकते हैं परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड था। और यहाँ पर कह सकते हैं जो लोग ये काम करते थे आगे लोगों को भेजने का, उनके उन्होंने कह सकते हैं विया स्पेन, और स्पेन से कह सकते हैं मेक्सिको, और मेक्सिको से कह सकते हैं यूएसए में एंट्री करवाई। तो मैं आपको फिर बता दूं, उनमें से जो लोग गए हैं लास्ट टू ईयर से, उनमें से कह सकते हैं 90% लोग वो हैं जो कह सकते हैं पहले से यहाँ का, जो उनके पास रेजिडेंसी कार्ड था या फिर टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड था। और जो अनदर कह सकती हैं 10-20% जो लोग थे वो लोग थे जिनके पास पहले से कोई भी उनके पास यहाँ का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं था। तो जिन लोगों के बेस पर वो आगे मूव हुए हैं, तो उन्होंने पहले उनके जो कह सकती हैं जाली कह सकती हैं डुप्लीकेट उनके रेजिडेंसी कार्ड जो कह सकती हैं पीआर कार्ड, तो वो उनके प्रोवाइड किए, उन कह सकते हैं डुप्लीकेट कार्ड के बेस पर उनको वीआर स्पेन, स्पेन से कह सकती हैं मेक्सिको, और मेक्सिको से कह सकती हैं यूएसए में एंट्री करवाई। जैसे कि लास्ट टाइम में जो यूएसए में जो कह सकती हैं एंट्री काफ़ी ओपन थी, और वहाँ से भी कह सकती हैं वहाँ से जो बॉन्ड है वो भी आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ रहा था। बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं भी यूएसए में कह सकते हैं जो रूल्स हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो जो पहले लोग वहाँ पर मूव हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, तो वो वहाँ पर मूव होकर वहाँ पर जाकर सेटल हो चुके हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भी अगर आप कह सकते हैं भी वो जो लोग पहले मूव हुए हैं या आने वाले टाइम में मूव होना चाहते हैं, तो आज के टाइम में भी लोग इस रास्ते से मूव हो रहे हैं, तो इसका कॉस्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनके पास यहाँ का जो पहले से कह सकते हैं टेम्पररी रेजिडेंसी कार्ड था या फिर परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड था, वो जो लोग यहाँ से जो पे करते थे तकरीबन 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 9 लाख, इसका कोई फिक्स रेट नहीं था। जैसे जैसे कह सकते हैं किसी की सेटिंग हुई तो वैसे ही वो कह सकती है उन्होंने पैसे पेड किए और वहाँ से मेक्सिको, और मेक्सिको से यूएसए में एंट्री हुई। पास यहाँ का जो परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड नहीं था तो उनका जो प्राइस था वो अलग था, उनसे जो ये लोग कह सकती हैं चार्जेस करते थे वो थे 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख, बट उसका कोई फिक्स रेट नहीं था। अगर आप भी आने वाले टाइम में इस कह सकती हैं वे से कह सकती हैं आप यूएसए में जाना चाहते हैं, तो आज के टाइम में भी लोग इस बेस से कह सकती हैं यूएसए में एंट्री कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा भी आप यूएसए जाइए, तो ये मैं आपको इन्फॉर्मेटिव के लिए बता रहा हूँ भी अगर आप भी आने वाले टाइम में यूएसए के लिए जाना चाहती हैं इंडिया से, तो अगर आपके पास यूरोप का किसी भी कंट्री का आपको वीजा प्रोवाइड होता है तो आप यहाँ से कह सकती हैं स्पेन, और स्पेन से मेक्सिको, और मेक्सिको से कह सकती हैं आप यूएसए में एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आते हैं तो यूरोपियन कंट्री में अगर आप पुर्तगाल में आ जाते हैं तो पुर्तगाल में आपको कह सकते हैं विद इन 1 ईयर वहाँ का जो टीआरसी कार्ड है वो आप लेकर आफ्टर आप यूएसए में मूव हो सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है तो आप विदाउट वीजा कह सकते हैं आप मेक्सिको में जा सकते हैं, बट उसमें आपको गारंटी नहीं है भी आपको जो मेक्सिको कह सकते हैं कंट्री है वहाँ की जो इमिग्रेशन है वो आपको एंट्री प्रोवाइड करे। कई लोग मेक्सिको में डायरेक्ट कह सकते हैं अपने कार्ड पर कह सकते हैं वो ट्रेवल करते हैं, कुछ लोगों को वहाँ पर जो एंट्री की परमिशन है वो मिल जाती है, और काफ़ी लोगों को वहाँ से वो दोबारा कह सकते हैं उन्हीं की कंट्री में दोबारा वो डिपोर्ट कर देते हैं। अगर आप भी आने वाले टाइम में यूएसए में जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो यही मकसद था भी आप किस बेस पर आप यूएसए में जा सकते हैं। ये जो ऑप्शन था कह सकते हैं ये इंडिया से बेटर था, जैसे कि इंडिया से लोग जंगलों से होते हुए जाते हैं तो ये आपके लिए एक थोड़ा एक सेफ रूट है। अगर आप किसी भी पुर्तगाल या किसी भी इटली या स्पेन का अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड आप ले लेते हैं तो आफ्टर आप कह सकते हैं एक सेफ रूट से आप यूएसए में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बाई एयर कह सकते हैं आप मेक्सिको, और मेक्सिको से आगे आपका पता ही है भी आप कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो
तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।